खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। धार जिले के रिंगनौज क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें खेत पर सिंचाई कर रहे किसान को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। जानकारी के अनुसार बिछिया घाटी पर स्थित खेत पर सिंचाई कार्य कर रहे किसान नानूराम पाटीदार निवासी पाटीदार मोहल्ला रिंगनौत को रविवार रात 8 बजे के करीब बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे उसके सीने पर छर्रे लगने से किसान गंभीर घायल हो गया था। किसान का पुत्र राधेश्याम पाटीदार जब खाना देने खेत पर गया तो अपने पिता को गंभीर हालत में देख घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रिंगनौत सरदारपुर पुलिस थाना बल मौके पर पहुंचा और बदमाशों को पकड़ने के प्रयास में जुट गए। इधर गंभीर घायल किसान को सरदारपुर अस्पताल उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने गंभीर घायल का प्राथमिक उपचार कर धार रेफर कर दिया और धार ले जाते समय गंभीर घायल की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को सरदारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा सोमवार को सुबह मृत पोस्टमार्टम किया गया है। उधर सोमवार सुबह सरदारपुर टीआई अभिनव शुक्ला, रिंगनौत चौकी प्रभारी विजय वास्कले सहित जिला एफएसएल अधिकारी पीकी मेहरडे ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआवजा कर जांच प्रारंभ की। पूरा मामले को लेकर सरदारपुर थाना प्रभारी अभिनय शुक्ला ने कहा कि रात्रि में खेत पर सिंचाई कर रहे नानूराम निवासी रिंगनौत को अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तलाईपुरिया है, जो ग्राम रिंगनौत का मंजरा है, वहाँ पे नानूराम पिता अंबाराम जी पाटीदार करके व्यक्ति हैं, जिनकी आयु 75 वर्ष लगभग है। रात्रि में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर किसी प्रकार का फायरआर्म्स का प्रयोग करके हमला किया गया है, के चलते उनकी मृत्यु हुई है। जिनका पीएम चल रहा है अभी, मौके पर एफएसएल अधिकारी भी आए थे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं मौके पर। उन्होंने मौके का अवलोकन किया है, हम लोग गवाहों से अभी बातचीत कर रहे हैं और विवेचना जारी है। शीघ्र अति शीघ्र इसको आरोपी को पकड़ने की कोशिश और केस को ओपन करने की कोशिश करेंगे। सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।